हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यात्रा स्टोरीज ऑफ घुमक्कड़ तुषार। और आपका ये घुमक्कड़ दोस्त आपको घुमा रहा है हिमाचल की इन हसीन वादियों में, एंड यस स्पीति वैली, एडवेंचरस बाइक ट्रिप टू स्पीति। और जैसा कि अब लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था कि हम काजा तक पहुंच गए थे और काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था काजा पहुंचते। और आपको इस वीडियो में जो ये वीडियो है इसमें हम वर्ल्ड हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा विलेज कॉमिक और लांगजा वैली घुमाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस मिस कर दिए हैं तो भाई पुरानी वीडियोस देखना मिस ना करना, उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मेरे लिमिटेड व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार, एटलीस्ट वो सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो जाए। और जो जो अपने आइडियाज़ आपने टिप्स दिए हैं नेक्स्ट वीडियो में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और भी कुछ भी न्यू आइडिया हो तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहना। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सारा ट्रिप स्पीति वैली का और दर्शन कराते हैं आपको स्पीति के। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं काजा में, स्पीति का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काजा, द मेन पॉइंट ऑफ स्पीति वैली, एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ काजा, द लव वर्ड, आई लव स्पीति एंड अमेजिंग स्तूपा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हर चीज वर्ल्ड हाईएस्ट है यार, मतलब ये जो काजा का पेट्रोल पंप है वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। और आज हमें सिक्किम जाना है और वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और फिर कॉमिक जाना है वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है जो रोड से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे सब कुछ वर्ल्ड हाईएस्ट हाइट पे है, मतलब हाई वाइब्स एरिया स्पीति। सो फ्रेंड्स, काजा मार्केट को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे और आज का सफर हमने शुरू कर दिया है और मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट निकल चुके हैं टुवर्ड्स सिक्किम। जी हाँ, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, काजा से बाहर निकलते ही ये वादियाँ एकदम क्लियर दिखने लगी हैं, मतलब ये वीरान पहाड़ और बगल में स्पीति रिवर, एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ द ट्रिप यार। और फ्रेंड्स, काजा से एग्जिट करते ही राइट हैंड साइड पे हमें ऊपर की तरफ जाना है टुवर्ड्स लांगजा वैली। और हम अगर तो सीधे जाएंगे तो लोसर होते हुए कुंजुम की तरफ निकल जाएंगे, मतलब कुंजुम टॉप की तरफ और मनाली की साइड। बट यार, हर राइडर्स को ना कुंजुम टॉप जाने की खुजली तो होती है, मतलब ये जो मनाली का सर्किट कम्प्लीट करना है, और हम भी जाएंगे, फिकर नॉट, काफ़ी डिस्कशन हुआ है और जाना तो है कुंजुम। एंड फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू आर सिक्किम, काजा से बस 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है सिक्किम। और आज हमें सिक्किम कॉमिक लांगजा द ग्रेट की मोनेस्टी एंड चीचम ब्रिज कवर करना है। और देखो ये चारों तरफ एकदम वीरान खूबसूरती को, द काम द पीसफुल बट वाइल्ड ब्यूटी ऑफ स्पीति वैली। और फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट लांगजा वैली जाते हैं एंड देन कॉमिक जाएंगे तो रोड एकदम मस्त है यार, एकदम बहुत बढ़िया रोड है। बट वी आर गोइंग टुवर्ड्स सिक्किम फर्स्ट, बिकॉज एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस है सिक्किम और लेट होने पे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, भीड़ हो जाता है, दैट्स वाई वी चूज दिस रोड। और वैसे अगर जो हम रिटर्न आएंगे तो इसी रोड से आना पड़ता है अगर जो हम फर्स्ट लांगजा जाते हैं। और अब लास्ट में हम लांगजा जाएंगे तो फिर लास्ट में भी रोड अच्छा मिलेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा ये बेकार रोड है। और फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप अच्छा खासा जा रहा था एंड दिस हैपेंड यार, मतलब यहाँ पे ना रैंडम लैंडस्लाइड होता रहता है और एक पत्थर जो लैंडस्लाइड से रोड पे गिर गया था और एक राइडर उससे जाके टकरा गया और गिर गया, और पीछे से सडन ब्रेक ना लगने की वजह से दूसरा राइडर भी यार एकदम से पीछे से उसमें टकरा गया, अपने दो भाई गिर गए। और थैंक गॉड किसी को कोई ज़्यादा बड़ी चोट नहीं आई, ऑल राइडर्स आर सेफ। बट यार थोड़ा रोड ये है ही ऐसा, कभी भी कुछ भी नीचे आ जाता है। और फ्रेंड्स, सिक्किम की बात करूँ तो 14,400 फीट की हाइट पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, मतलब 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था पोस्ट ऑफिस और आज तक फंक्शनल है। और शायद इंडिया के उन गांवों में से है जहां इतनी हाइट होने के बाद भी, मतलब एकदम हार्श कंडीशंस होने के बाद भी सर्दियों में भी गाँव वाले पूरे यहीं पर रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन थ्रू आउट द ईयर यहीं सिक्किम में रहती है इतनी हाइट पर। तो फ्रेंड्स, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम। और फ्रेंड्स, सिक्किम ना काफी सालों तक वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन भी था, मतलब अब इसका जो खिताब है, बगल में एक गांव है ताशी गांव, उसने उसकी पोजीशन ले ली है, मतलब भाई स्पीति वैली में ना सब कुछ वर्ल्ड्स हाईएस्ट ही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब पोस्टकार्ड भेज रहे हैं अपने घर पर, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लव वंस को, मतलब दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से
आप अपने आप लव वंस को सेंड कर सकते हैं पोस्ट, और आपको यह पोस्ट कार्ड सामने ही मिल जाएंगे, शॉप्स हैं और पोस्टल स्टैंप आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, एंड सेंड दिस लवली पोस्ट कार्ड फ्रॉम हेयर। और फ्रेंड्स सिक्किम में मतलब एकदम अल्टीमेट वाइब्स है यार, मतलब और जिस जिसको पोस्ट कार्ड सेंड करने हैं ना उनके एड्रेस ना काजा में रिमाइंड कर ले तो बेटर है, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। तो आप कॉल लगा के ना सिक्किम से आप डायरेक्ट किसी का दोस्त का एड्रेस नहीं पूछ सकते, तो आपको काजा में प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इसको पोस्ट भेजना है। और फ्रेंड्स अब सिक्किम के बाद हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कॉमिक, यस वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड बाय मोटरेबल रोड, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाइट पे बसा हुआ गांव जो एक पक्की सड़क से कनेक्टेड है। अब मतलब यार अभी आप इस सड़क को मत सोचो यार, मतलब बिकॉज ये कच्ची वाली सड़क है, मतलब लांगजा से आती है, इसके लिए एकदम मस्त बढ़िया सड़क कॉमिक के लिए। और फ्रेंड्स सामने ही दिख रहा है कॉमिक वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, मतलब यार क्या ही बोले इस लोकेशन की, मतलब सांस ले रहे तो एकदम जो ठंडक है ना कोल्डनेस एकदम ऐसा लग रहा है लंग्स तक अंदर चली जा रही है, एकदम कोल्ड चैम्बर है एरिया एकदम कॉमिक विलेज। और फ्रेंड्स यहाँ जो रेस्ट्रो है ना वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट है, और ये गांव भी वर्ल्ड हाईएस्ट है, और यहाँ का कैफे भी वर्ल्ड हाईएस्ट है यार, मतलब ना आप दुनिया के ऊपर खड़े हैं और शायद अपने हाथ ऊपर किया ना तो आसमान ही हाथ में ना जाए। कॉमिक। और फ्रेंड्स एक कॉमिक विलेज की हिस्ट्री भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी साल पहले इतनी हार्श कंडीशंस की वजह से ना गांव ये नीचे बस गया था, पर मोनेस्टी में ना एक महाकाल का स्टैचू था, मतलब एक लॉर्ड महाकाल का स्टैचू हुआ, वो हिल नहीं पाया यहाँ लोगों से, और इसकी वजह से क्या हो उसको नई मोनेस्टी में शिफ्ट नहीं कर पाए, तो फिर एक मॉन्क यहीं पर रहते थे जो महाकाल के स्टैचू पर प्रेयर एक्सेट्रा करते थे, बाकी सब नीचे चले गए। कुछ सालों बाद इतना ज़ोरदार भूकंप आया कि नया गांव और मोनेस्टी सब बर्बाद हो गए, और पुराना कॉमिक विलेज और महाकाल स्टैचू वैसे का वैसा ही रहा। तो फिर गांव वाले जो थे वो वापस से इसी हाइट पे आ गए और कॉमिक विलेज में बस गए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और फ्रेंड्स अब सिक्किम और कॉमिक के बाद हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लांगजा वैली, यस लांगजा विलेज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन लोकेटेड इन वन ऑफ द मोस्ट मेजेस्टिक वैली इन स्पीति। और फ्रेंड्स ये रास्ते, ये वादियाँ और ये नज़ारे और ये खामोश पहाड़ी और ये वीरान रास्ते और हम और हमारा ग्रुप इस रॉयल इनफील्ड पर और वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रास्तों पे दौड़ता हुआ और एक सुगुन और एक सपना स्पीति वैली का जो पूरा हो रहा है। लांगजा वैली 14,500 फीट की हाइट पे बसा हुआ हिमाचल का एक छोटा सा रिमोट विलेज लांगजा, सराउंडेड विद स्नो कैप पीक्स, मतलब चारों ओर बर्फ से ढकी हुई वादियां और उनके बीच में है एक लांगजा गांव, और विंटर्स में इसकी कनेक्टिविटी कट जाती है बाकी वर्ल्ड से, अभी तो जो ब्राउनिश जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन फील्ड्स, बस ये सब वाइट हो जाता है, थिक ब्लैक ब्लैंकेट ऑफ स्नो इन विंटर्स। और फ्रेंड्स जैसे आप एंट्री करोगे लांगजा में तो आपको दूर से ही आपको एक मैसिव स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा दिख जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बुद्धा खुद प्रोटेक्ट कर रहे हो लांगजा को, और जो सबसे पॉपुलर है यहाँ लांगजा में द आइडेंटिटी ऑफ लांगजा द लॉर्ड बुद्धा स्टैचू। और फ्रेंड्स मैंने तो ये भी सुना है कि नाइट फोटोग्राफी इन लांगजा इज़ वेरी फेमस, मतलब आप रात को यहाँ पे अपनी आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं और बड़ा सा मून दिखाई देता है यहाँ पे, मिलियंस ऑफ स्टार, क्रिस्टल क्लियर स्काई, मतलब लांगजा वैली फेमस है नाइट फोटोग्राफी के लिए। पर अभी का मौसम तो कुछ अलग ही है यार, मतलब स्नोफॉल बारिश कुछ अलग ही मौसम है अभी तो स्पीति में। और फ्रेंड्स पार्किंग में बाइक को लगाकर, और यहाँ पार्किंग का ना चार्ज 30 rupees पर हेड है एंट्री का, और पार्किंग में लगाने के बाद चलते हैं टुवर्ड्स बुद्धा स्टैचू द आइडेंटिटी ऑफ दिस लांगजा वैली। और फ्रेंड्स एज पर एंशियंट जियोलॉजी यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेथिस नाम का ओशन था,
और जो हिमालयन रेंजेस और तिब्बतन प्लेटू है दो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना है और ओशन गायब हो गया और हिमालयन रेंजेस बन गई। मतलब यहाँ ओशंस की बड़ी बड़ी स्पीसीज मरीन एनिमल्स दब गए थे और मरीन एनिमल्स के फॉसिल्स मतलब जीवाश्म आपको यहाँ मिल जाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ ढूंढते भी उन जीवाश्म को मतलब उन फॉसिल्स को। खैर अपन तो थक चुके हैं यार, कहीं इधर उधर गिर गए तो पता चले हमारे फॉसिल्स भी कोई मिलियंस ईयर्स बाद ढूंढेगा। एंड फ्रेंड्स दिस इज द मेन पॉइंट, द गोल्डन कलर्ड स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और जो दूर से दिख रहा था हमें लांगजा वैली में एंट्री होते ही मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लॉर्ड बुद्धा यहाँ बैठे हैं और पूरी दुनिया को यहाँ से देख रहे हो। और वैसे स्पीति की वैली की इतनी हाइट भी आप पूरा वर्ल्ड भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। खैर अमेजिंग लैंडस्केप। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ आए तो नाइट स्टे जरूर करना यार, मतलब अगर जो मौसम परमिशन दे दो और अगर जो मौसम खराब लगे तो भाई तुरंत निकल जाना, स्नोफॉल में अटक गए ना तो फिर पता चले यहीं का डोमिसाइल ना मिल जाए आपको। एंड स्टार ग्रेजिंग ड्यूरिंग नाइट इज द बेस्ट थिंग टू डू हियर इन लांगजा वैली। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कॉमिक एंड लॉर्ड बुद्धा विलेज लांगजा। और आप कहीं मत जाना यार, अभी नेक्स्ट वीडियो में द अल्टीमेट की मोनेस्टी, चीचम ब्रिज और हमारा संघर्ष, हमारा कुंजुम टॉप जाने का एहसास, वो चाहत, वो शिमला टू मनाली सर्किट कंप्लीट करने की खुजली और वो कुंजुम टॉप का एहसास, काफी कुछ बाकी अभी। एंड फ्रेंड्स इफ यू थिंक कंटेंट में कुछ दम है और कुछ कमी पेशी है तो भी सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द कंटेंट एंड आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। तो फिर मिलते हैं जल्दी चीचम ब्रिज और कुंजुम टॉप पर, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।